मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अर्नब की सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर अनिल देशमुख से की बातचीत। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बातचीत की है। इसके अलावा राज्यपाल ने गृह मंत्री से अर्नब के परिवार को उनसे मिलने की अनुमति देने को भी कहा है। तो वहीं दूसरी ओर अर्नब की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने राजघाट पर जा रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया है कि दोनों नेताओं समेत 3 से 4 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर राजेंद्र नगर थाने में ले जाया गया। तो वहीं तीसरी ओर महाराष्ट्र में जल्द खुलेंगे धार्मिक स्थल, दिवाली के बाद जारी होंगे दिशा निर्देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में जल्द ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा दिवाली के बाद हम धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेंगे। गौरतलब है कि कई संगठन व राजनीतिक पार्टियां मुख्यमंत्री पर धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए दबाव डाल रही थी। तो वहीं शिवसेना ने मुखपत्र सामना में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव व बिहार चुनाव में समानता दर्शाते हुए लिखा है कि अमेरिकी जनता ने 4 साल में अपनी गलती सुधार ली और बिहार में भी वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। बतौर शिवसेना बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने टिक नहीं पाए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।